नमस्कार दिन का लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। तो इस वक्त मौजूद है हरि सिंह पार्क के अंदर। आपको बताते चले यहाँ पे पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मैडम जो है वो पहुँचेंगे, वहीं पे ऑल पार्टीज के जो लीडर है, जो कार्यकर्ता है, वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। वहीं पे पहली बार बात करें गठबंधन, ये देखिएगा यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, सभी इकट्ठे हो चुके हैं। पहली बार ये देखने को मिल रहा है ऑल पार्टी के कार्यकर्ता के लीडर्स यहाँ पे, तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे तस्वीरें आपको दिखाते चले, तस्वीरें देख रहे हैं जिस प्रकार से, आपको बताते चले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी हमने कल टेलीफोनिक बात की थी और उनका साफ तौर पर वो कहना था। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैंथर पार्टी के भी यहाँ पे पहुंचे हैं और तस्वीरें देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी ही देर में यहाँ पे। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी खुद पहुंचेंगे और वहीं पे महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पे पहुंचेंगे और वहीं पे जो है प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। सभी ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान वहाँ पे कहा गया था कि 10 अक्टूबर को यानी कि आज जो है यहाँ पे अपने हक को लेके प्रदर्शन किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। वहीं पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। थोड़ी ही देर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वहीं पे तस्वीर देखते हैं रमन बल्ला की बात करें, कांग्रेस के लीडर रमन बल्ला भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वहीं पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें आप तक, और टेलीफोनिक बात भी की थी हमने, फिर से बताऊंगी मैं आपको, टेलीफोनिक बात हुई थी। और वहीं पे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पे जिस प्रकार से जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी की और एनसी की, और वहीं पे भाजपा को एक जोरदार तमाचा कहीं ना कहीं मिला, जिस प्रकार से भाजपा कह रही थी कि 50 बार और जिस प्रकार से सिर्फ 2 सीट निकाली गई है और कैसे होगा 50 पार। अब भाजपा के कई सारे निशाने जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं, कई सारी पब्लिक जो है भाजपा से परेशान भी है। वहीं पे तस्वीरें आपको दिखाएं, आज सभी पार्टी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है और वहीं पे भाजपा की कुछ लीडर्स, कुछ नेता का ये भी कहना है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार है। एक ही सवाल कि इलेक्शन कब होंगे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हम किसी प्रकार से डरे नहीं है, हम तैयार है। वहीं पे सभी लाइव दिखाते चले ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद, यहाँ पे सब इकट्ठे हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता लीडर, ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे तमाम लीडर्स की बात करें वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लाइव तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से। और इस स्टेज के ऊपर पहुंचाया, उस स्टेज को भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से तोड़ दिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जमहूरियत से हमको वंचित कर दिया, तानाशाही निजाम जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी आज अपने पैरों तले रौंद रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है, जो हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डराकर धमकाकर हम प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर के अंदर चला लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है मोदी और शाह की। मैं यहां से कहना चाहता हूं उनको, आज हमारा जमहूरियत से हमें महरूम करके हमारी स्टेट छीन कर हमारे स्वाभिमान को ललकारा है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं पे एक बार तस्वीरें दिखा दें, थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे वहां पर। एक प्रहार हुआ है
जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं पर थोड़ी ही देर में यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इंतजार हो रहा है बेसब्री से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है प्रदर्शन जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। वहीं पे तमाम सभी कार्यकर्ता सभी पॉलिटिकल लीडर्स जो है जहाँ पे मिनिस्टर्स की बात करें एक्स मिनिस्टर की बात करें एक्स एमएलए की बात करें एमएलए एमसी की बात करें वहीं पर सब इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे अपने चैनल के माध्यम से लाइव। और फिर से कह दूं थोड़ी ही देर में यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जी पहुँचने वाले हैं, उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वहीं पे आपको तस्वीरें दिखाते चले और सभी लीडर्स जो है इकट्ठे हो रहे देखेगा किस प्रकार से पार्टीज की बात करें तो तमाम लीडर्स पार्टीज कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखेगा ये लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे इकट्ठा होना होगा इकट्ठे हो रहे हैं लाइव तस्वीरें। और बीजेपी के नारे भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के नारे भी लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या होने वाला है अब ये देखना बाकी होगा किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा। और अब प्रदर्शन जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पे किया जाएगा। लाइव तस्वीरें दिखाएंगे अभी लाइव तस्वीरें आपको वहीं पे महबूबा मुफ्ती की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं एंड टैक्स टेररिज्म। ये देखिएगा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे। लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। और वहीं पे लद्दाख की बात करें जिस तरह से लद्दाख के बाद एनसी की बात करें कांग्रेस की बात करें वहाँ पे खुशियां जो है वो मनाई गई है। वहीं पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भाजपा को एक जोरदार कहीं ना कहीं थप्पड़ जो है वो दिया गया है क्योंकि दो सीटें और उसके बाद भी भाजपा ने यही कहा कि लद्दाख एक साइड पड़ता है इसीलिए अभी भाजपा ने हार नहीं मानी। रविंद्र ने यही कहा कि इलेक्शन आएगी तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है, भाजपा अभी डर ही नहीं है। और क्या कुछ कहना है किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा तब तक के लिए देखते रहेगा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला आएंगे जैसे ही प्रदर्शन किया जाएगा आप तक लाइव तस्वीरें जरूर दिखाई जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।